चंद्रशेखर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, चंद्रशेखर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, रजिस्ट्रार साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, रजिस्ट्रार साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, कैश कमेटी डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, ये तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो। पहले मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में हाँ, तो तुसी स्टूडेंट्स इतने वेख सकते हो कि कुछ दिन पहले जेडे प्रोफेसर ने चंद्रशेखर जिस तरीके का इंसीडेंस होया सी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बाद स्टूडेंट्स के अंदर गुस्सा जेड़ा है वो वेखन मिले करता। आज पूरे जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे तुसी वेख सकते हो VC ऑफिस के बाहर इतने खट्टे हो गए ने प्रोफेसर लई। इन्हां नाल गलबात करांगे। सब तो पहला तो लखोत्रा साहब दसो कि अज इत्थे प्रदर्शन होए करदा है, एक गुस्सा बच्चियां विच अज निकल के आया है इन्ने चिर दे बाद, क्योंकि लाजमी जी गल है कि जिस वेले साडा टीचर जिहड़ा सानू पढ़ा रहा हुंदा है, जिस वेले साडा टीचर सानू छड्ड के जांदा है ते बच्चियां विच गुस्सा हुंदा ही हुंदा है। बड़ा शर्मनाक है जो जम्मू विश्वविद्यालय च 7 तारीख नूं होया। साडे प्रोफेसर सी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जिन्हें इत्थे 17 साल अपनी जिंदगी दे दित्ते, इतने अपने पूरा तन मन कने बच्चे की जम्मू की सेवा की, अज उन्हें इन्नी बुरे तरीके कने देहांत होया हुंदा। और मैं तुंदे माध्यम कने आखना चाहना, ये उन्हां दी कोई हत्या नहीं है, सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। ये इस एडमिनिस्ट्रेशन ने की, कुर्सियों पर बैठे तानाशाह की, जेडे अपना एक नैक्सस क्रिएट किए, जेडे अपने गै बंदे, मेरा दोस्त, ये मेरा क्लासमेट, यही मेरा जो मेरा अपनी मेरी बात पर करेगा, मेरे इशारों पे नाचेगा, वही यहाँ पे हमारी बात करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उनको इंसाफ होना चाहिए। हमारी 3 मांग है मुख्यतः। सबसे कह रही हो कि आज सुसाइड नहीं है, आज मर्डर है जी, ठीक है, किस तरीके ना, मतलब एक देखिए प्रताड़ित किया गया उनको, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी प्रताड़ना की गई एक इंसान पे, ठीक है आपके इल्जाम लगा। और मैं आपको बिना आपका पक्ष सुने आपको बोलूं कि फांसी पे इसको इसको नौकरी से हटा दो या ये कर दो, मौका तो मिलना चाहिए। कसाब जैसे आतंकवादियों को मौका मिल सकता है, या फिर अफजल गुरु को 10 साल जेल में रख सकते हैं, तो क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर इतने घिनौने अपराधी थे कि उनको आप मौका नहीं दे सकते थे बात करने का, एक बात। और दूसरी, मैं हमारे ये है जो लॉबी सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो उन्होंने एक नेक्सस क्रिएट किया है, उसको ख़त्म होना चाहिए। प्रोफेसर चंद्रशेखर के लिए SIT की जांच हो कि हुआ क्या, इन जब तक ये जो तानाशाह बैठे हैं, रजिस्ट्रार साहब को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि वन कैन नॉट बी जज इन ओन काज। वो अब जब वो कुर्सी पे बैठे होंगे तो आप क्या प्रोफेसर लेके आ गया ऐसे कि कुछ बच्चियाँ ने कंप्लेंट की थी, कंप्लेंट हुई थी ना, कंप्लेंट हुई थी निर्भया का, इतना वर्स्ट देन वर्स्ट केस हुआ, उसके भी अपराधियों को तिहाड़ जेल में रखा गया, फांसी की सजा हुई, लेकिन उन्होंने भी केस लड़ा। तो क्या इनको केस लड़ने का, अपनी बात रखने का भी मौका नहीं देना चाहिए था? जिस वेले बच्चियां ने कंप्लेंट की थी, उसके बाद प्रोफेसर साहब दे नाल एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू यूनिवर्सिटी दी एडमिनिस्ट्रेशन, 7 मेंबरों की कमेटी है, 3 मेंबरों ने बाकी वालों को बिना बताए 3 मेंबरों ने बैठ के डिसीजन भी कर दिया, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं? 1 तारीख को डिसीजन, 1 तारीख को इल्जाम लगा, 2 तारीख को वर्किंग डे था, 3-4 को छुट्टी थी, 5 तारीख को फाउंडेशन डे था, कोई काम नहीं था। प्रोफेसर साहब ने अपनी गाल रखा था, मौका नहीं, एक दिन के अंदर आपने कर दिया, पहले से ही प्लान था इसका, मतलब कुछ फिशी था ना। इसलिए हम मांग रहे हैं SIT की मांग, जांच करो, जांच करो, बाहर आने दो सच, वो कल्प्रिट थे तो वो दिखेंगे, ये थे तो ये दिखेंगे, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। हम ये चाहते हैं कि बाहर आए, सच्चाई बाहर आए, और जब तक नहीं होता, जैसे उनको उन्होंने इल्जाम लगने पे उनकी पोस्ट से सस्पेंड किया था, रजिस्ट्रार साहब को भी हटाना चाहिए और कैश कमेटी को भी डिसॉल्व करना चाहिए, और प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ऐसा क्यों किया वो सच्चाई बाहर आनी चाहिए। धन्यवाद। तुसी रजिस्ट्रार दी गल कीती, रजिस्ट्रार साहब ते ऊपर तुसी सीधा सीधा इल्जाम ला रहे हो। देखिए मैं उनके ऊपर इंडिविजुअली नहीं कर रहा, मैं उनकी चेयर पे लगा रहा हूँ। मुझे प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया जी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मुझे रजिस्ट्रार साहब के साथ द्वेष है, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो क्या डिसीजन लिया, कुर्सी पे बैठ के सही भी होते हैं गलत भी होते हैं, उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया, ये हमारी ये मांग। तो तुसी सुन लिया कि जम्मू यूनिवर्सिटी दे अंदर बच्चियां विच गुस्सा वेखन नूं मिले करदा है कि जेड़े उन्दे प्रोफेसर साहब ने
उन्दे उपर जड़ी इल्जाम लगे सी जड़ी बच्चियां ने कंप्लेन कीती सी उस दे उपर प्रॉपर जड़ा डिसीजन है वो नहीं लिया गया। आप बच्चे कहे करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी तो उम्मीद करे करते हैं कि इस पूरे मामले के उपर जड़ा है वो सिट बिठानी चाहिए है, ता करके पूरा मसला की होया है वो सामने आना चाहिए है।